वैसे तो ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि क्या हमें नेचर सुपर पावर दे सकता है या नहीं, लेकिन फिर भी गाइस क्या आप मुझे अपना 30 सेकंड दे सकते हैं? तो बात ऐसी है कि आपको पता होगा कि मैं 20 में काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं कि जैसे मेरे गाँव में काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया है, तो ये प्रॉब्लम मेरी है। बट आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि वीडियो लेट आ रही है और छोटी आ रही है। तो काफ़ी सारी दिक्कतें थीं और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी मेरे लिए कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। किसी ने मुझसे कहा था कि टाइकोकिनेसिस पर वीडियो बनाओ, जो किसका प्रोनाउंसिएशन शायद गलत हो सकता है। तो मैंने ट्राई किया बट इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चल पाया। देखो ये एक इस टाइप की चीज़ है कि जिससे आप जो संभावना होती है ना, लक, ये सभी चीज़ें, चांस, तो इन सभी चीज़ों को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अनुसार। तो ये इस टॉपिक पर ये वीडियो होने वाली थी बट मैंने नहीं बनाया क्योंकि इस चीज़ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। लेकिन जो भी पता था वो अभी आधा अधूरा ज्ञान था, तो मैं नहीं दे सकता। तो शायद मैं आगे चल के उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ। सो बैक टू द टॉपिक। तो देखो, बिना मेडिटेशन के सुपर पावर पाना तो आसान होता नहीं है, क्योंकि 98% जो साइकिक पावर्स होते हैं उनको पाने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके बारे में कोई भी इंसान कुछ भी बता नहीं सकता। कुछ लोगों को बिना मेडिटेशन के सुपर पावर मिल जाते हैं, जैसे कि जब आपको नेचर सुपर पावर देता है, नेचुरली कोई भी आपको सुपर पावर मिलता है तो आप मेडिटेशन नहीं करते ना, तो आपको ऐसे ही मिल जाता है। देखो हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अनोखे हैं, जिनके पास अलौकिक शक्तियाँ मौजूद हैं, जो एक घटना से या हमेशा से उनके पास वो सुपर पावर्स मौजूद थे जो कि नेचुरली उनके पास थे। किसी को दर्द नहीं होता तो किसी को डर नहीं लगता, तो किसी के पास एक्स्ट्रा विजन पावर है तो कोई मैग्नेट की पावर लेता है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे लोग हैं जो हमारे दुनिया में मौजूद हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और अमेजिंग हैं। केवल उनके पास ही ये शक्तियाँ क्यों हैं? उनके पास ऐसा क्या खास है जो और किसी के अंदर नहीं है? आज तक विज्ञान के पास इसका जवाब नहीं है। देखो विज्ञान हर एक मायने में सच हो सकता है बट कुछ मायनों में सच नहीं हो सकता। अब विज्ञान से अगर जो आप टेलीकिनेसिस के बारे में पूछें तो वो सीधे इसको इनकार कर देता है, बट अभी भी कुछ लोग दावा करते हैं, जैसे कि कुछ सब्सक्राइबर्स हैं मेरे जो दावा करते हैं कि वो टेलीकिनेसिस कर पाते हैं। आई थिंक कि उन्हें भी कभी रिवील होना पड़ेगा अगर जो रियली कर पाते हैं तो। हाँ मुझे पता है कि इतना आसान नहीं होता है। देखो हमारे शरीर में पहले से ही बहुत कुछ मौजूद होता है जिसके बारे में हम हमेशा से अनजान रहते हैं। देखिए अगर जो आप सुपर पावर के लायक हैं तो नेचर आपको सुपर पावर ज़रूर देगा, लेकिन तब तक के लिए आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, उन चीज़ों में लगाइए जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपके जीवन के लिए काम आए। अब जैसे मान लो कि अगर जो आपके पास टेलीकिनेसिस की पावर है तो आप नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके पास टेलीकिनेसिस की पावर है। और भाई लोग मैं केवल आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर जो आप सुपर पावर के लायक हैं, अगर जो प्राकृतिक चाहती है कि आपको वो सुपर पावर दे, तो आपको कभी भी दे सकती है। आप कुछ भी करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी दुनिया में काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं बट वो कभी बताते नहीं, वो छिपाते हैं, क्योंकि कौन चाहेगा कि उनके ऊपर रिसर्च किया जाए, छेड़फाड़ किया जाए या फिर वगैरह वगैरह जो भी हो। अगर जो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तो वो केवल एक लफ्ज़ है कि आपको कुछ नहीं जानना है, केवल अपने चेतना को जानना है, अपने कॉन्शियसनेस स्तर को जानना है कि वो किस हद तक काम कर सकती है। आप जिस दिन अपनी चेतना को सही रूप से देख पाए कि वो क्या क्या कर सकती है, सच में गाइस उससे बड़ी सुपर पावर कुछ भी नहीं है। कॉन्शियसनेस ही सब कुछ है। इस पर भी काफ़ी सारी रिसर्च हुई है जिसके बारे में मैं आगे वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन आप नीचे कमेंट में बताएं कि कोई नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी अच्छा हो और काफ़ी यूनिक हो। सो अभी के लिए बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.